मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का निधन हुआ है। डॉक्टर्स की निगरानी में इलाज चल रहा था। डॉक्टर राजू श्रीवास्तव की देखरेख में राजू श्रीवास्तव का इलाज चल रहा था। राजू श्रीवास्तव के निधन की खबर से सदमे में है मौत। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की दुखद खबर। मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का निधन हुआ। डॉक्टर्स की निगरानी में लगातार इलाज चल रहा है। डॉक्टर राजू श्रीवास्तव की देखरेख में इलाज चल रहा था। राजू श्रीवास्तव के निधन की खबर से पूरा बॉलीवुड सदमे में है। हर कोई उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहा है। जी, दिल्ली एम्स में डॉक्टर्स की निगरानी में रहे राजू अब हमारे बीच नहीं है। सबके दिलों पर राज करने वाले राजू के फैंस के लिए दुखी कर देने वाली खबर, क्योंकि उनके चाहने वाले, उनके फैंस राजू श्रीवास्तव के जल्द स्वस्थ होने की दुआएं मांग रहे थे। मगर जिंदगी की जंग लड़ रहे राजू की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। आपको ये भी बता दें कि एम्स के न्यूरोफिजिशियन डॉक्टर राजू श्रीवास्तव की देखरेख में उनका इलाज चल रहा था। बताया जा रहा था कि सिर की नस दबने की वजह से तेजी से सुधार नहीं हो पा रहा था। राजू सिर्फ एक कॉमेडियन ही नहीं बल्कि समाज और राजनीतिक जीवन में भी वो एक्टिव रहे। दरअसल वो 2012 में समाजवादी पार्टी से जुड़े और अपना राजनीतिक सफर शुरू किया था। अखिलेश सरकार ने उन्हें संसदीय का टिकट भी दिया था, मगर किन्हीं कारणों से चुनाव से कुछ दिन पहले ही उन्होंने टिकट वापस कर दिया था। इसके बाद राजनाथ सिंह ने उन्हें भाजपा पार्टी में शामिल कराया, जिसके बाद वो मोदी के स्वच्छता अभियान के ब्रांड एम्बेसडर भी बने। साथ ही उन्हें पार्टी से स्टार प्रचारक का भी जिम्मा सौंपा था। योगी सरकार के बनते ही उन्हें दर्जा प्राप्त मंत्री भी बनाया गया। लेकिन अब सबके दिलों पर राज करने वाले राजू हमारे बीच नहीं रहे।